ठीक है मेरे और कार्यक्रम बहुत हैं तो उसमें से वो एडजस्ट करके कुछ निकालेंगे समय निकालेंगे आप थोड़ा मानते हैं आ, इस समय के हिसाब से बड़ा आप... इंटरेस्टिंग मैं बता दूं आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा 2014 में शपथ समारोह था तो मैं राष्ट्रपति भवन गया प्रणब मुखर्जी साहब से बात करने के लिए तो मैंने कहा एक इच्छा है अगर आपको सुविधा हो क्योंकि ये कार्यक्रम तो राष्ट्रपति जी का होता है मैंने कहा बाहर करेंगे तो अच्छा होगा तो वो जो समय लोगों ने मुझे बताया था बोले साहब दिन में करना अच्छा होगा तो कहे उस समय तो धूप बहुत होती है तो मैंने कहा कैसे करेंगे तो बोले शाम को करेंगे तो अच्छा होगा तुम तो कह ठीक है शाम को कर लीजिए <laughs> तय हुआ उस समय आपने देखा अखबारों में बहुत आर्टिकल छपे थे इंटरव्यू छपते थे ये मूर्ख ठीक नहीं है मोदी जी गलत कर रहे हैं ये इसका कोई उपाय भी नहीं शास्त्रों में भाती भाती का मुझे भी काफी लोग के बीच में थोड़ा समय था तो मुझ पर भी दबाव डालने लगे बना का भाई देखिए राष्ट्रपति भवन का जो प्रॉब्लम है वो धूप का है और मेरा काम है उनको एडजस्ट करना मेरा काम नहीं है मैं निर्णय तो उस रूप से वो निर्णय हुआ हर समय सही समय आज, ये यही समय है सही समय है प्रधानमंत्री जी जो इलेक्शन का समय है उसमें से दो फेज का हिस्सा तो चला गया मतलब अगर आप माने कि सात पेपर आप दे रहे हैं एग्जाम में तो दो के आंसर सीट तो आपने भर दिए तो प्रधानमंत्री जी क्या अब अभी भी ये मान रहे हैं कि वो 400 का टारगेट अचीव हो जाएगा मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है आप लोग अच्छा होता आप लोग महीने पहले मेरा इंटरव्यू कर है होता है मैं से बता देता आपको आप ये तो देखिए आज हमारा सिटिंग एमपी कितने है। कभी ये तो दिमाग खपाइए जी हम 2019 में जीत के आए तब एनडीए वोटॉप थ्री फिफ्टी नाइन या इतना कुछ था फिर ये आंध्र की पार्टी का पार्टी और उड़ीसा की वो हमेशा हमारे साथ रहे तो वो करीब थर्टी फाइव लोग हैं फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे साथ रहे हमेशा तो हम ऑलरेडी इन्हें वे फंक्शनल वे में कहें एनडीए प्लस जिसको कहें तो हम फोर हंड्रेड से करीब करीब थे ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में 400 थे ये लोगों को क्यों असर हो रहा है कि 400 400 400 ठीक है कि शब्दों में आया लेकिन रियलिटी ये है कि हम ऑलरेडी 2014 से 19 करीब करीब 400 एमपीस के सहयोग से ही संसद चला है ये नंबर